मध्य प्रदेश के रीवा की बात करते हैं, जहां एक निजी होटल की दूसरी मंजिल से गिरने पर एक युवक की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मृतक युवक की होटल की दूसरी मंजिल से खिड़की के बगल में रखे टेबल पर सोते हुए खिड़की से नीचे गिर गया। जब इसकी सूचना परिजनों को मिली तो वह होटल पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं स्थिति उस वक्त और बिगड़ गई जब होटल परिसर में रखे शव के ऊपर एक कार चढ़कर निकल गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने चालक सहित दो लोगों को जमकर पीटा। हालांकि कई घंटों बाद आर्थिक मदद और कार्रवाई के आश्वासन के बाद पुलिस ने हंगामा शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। इस दौरान नाराज भीड़ ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और देखते ही देखते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। देखिए, अभी तक तो ये जो पक्ष सामने आया है कि गिर के मृत्यु हुई है, अब जो भी आगे की उन्होंने मांग है उसके तरफ से जांच की जा रही है। जांच में जो भी आएगा उसके खिलाफ, अभी होटल प्रबंधन ने उनको तात्कालिक सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपया दिया है और 5,000 रुपया जो सरकार देती है अंतिम संस्कार के लिए, उस सरकार की तरफ से 5,000 रुपया उनको दिया गया है। और बाकी एक बताया गया है कि जो भी नियम के तहत इन सहायता मिलेगी, वो पूरी सहायता इनको दी जाएगी। और इस बात पे सभी लोगों में सहमति बनी, उनके परिवार के लोग थे और उनका होटल मैनेजमेंट लोग, दोनों में सहमति में बातचीत हुई और उसके बाद दोनों लोगों ने तय किया कि नहीं, ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं और उसके आधार पर डेड बॉडी उन्होंने पीएम कराने के लिए तैयार हो। हाँ, वो उसको अभी गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ। ये रात में मैं यहाँ पे ड्यूटी में था, जिनके साथ में काम कर रहे थे, तो उन्होंने आके मुझे बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो फिर मैंने जाके देखा तो उसके चोट लगी हुई थी। फिर मैंने फ़ोन किया, अपने सर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला गाड़ी से इसको ले चलो, एम्बुलेंस को फ़ोन करो और गाड़ी से ले चलो इसको। ऐसे लगा एम्बुलेंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग जल्दी से गाड़ी में उसको वो किए, तो उसके बाद में एम्बुलेंस आई। रास्ते में जैसे निकलने के तो एम्बुलेंस आ गई, हम लोगों ने उसको एम्बुलेंस में लोड किया। एम्बुलेंस में लोड किया, उनमें जो कंपाउंडर था उन्होंने उसको देखा तो बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर उन्होंने उतरवा के फिर हम लोग यहाँ पर रखवा। एक्चुअली में ट्रेवल एजेंसी की गाड़ी थी, गेस्ट ने बुक किया था गाड़ी को, तो ड्राइवर आया तो उसने क्या था कि देख नहीं पाया कि क्या है, अचानक से धोखे उसको चढ़ गए। रात में एक्चुअली पे काम चल ही रहा था और ये उधर तो रात में देखने गया नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये कर्मचारी एक्चुअली पे नहीं थे, ये अपना जो काम है इलेक्ट्रिक का टेंडर में दिया हुआ है, तो ठेकेदार का तो नाम कलेक्टर है या कार्रवाई करे, हमारी मांग पूरी करे, हमारी बॉडी को देखे। वो गाड़ी चढ़ा दिया दिन में, हम अडल करवा दिया, सुनाई नहीं हो रही है। क्या नाम था उनका और क्या काम करते थे? विनोद। क्या काम करते थे? लाइट फिटिंग। अब पता हम लोगन का आवे चला मार गो डारी तब ना आवे आवे जानन तान, अगर पहले जानी तो ठीक है ना रहा। ये गाड़ी फिर कैसे चल गई, एक और गाड़ी? गाड़ी अभी चढ़ा दिन में, हम लोग के सामने चढ़ा दिया। क्या लगता है हत्या की गई है? हाँ, हत्या की गई, मडल की नहीं, सीधे। मांगे क्या है? मांगे हमारा सुनाई करे, पहले हमारा इंठे आवा कलेक्टर तब ना हम मांग बताई। अभी तक आए कोई अधिकारी? अभी नहीं आया, अभी कोई अधिकारी नहीं आया, यहाँ का मालिक भी नहीं।